Hi everyone, welcome to my channel and welcome to another haul video. So आज की वीडियो के लिए आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल सम अफोर्डेबल टॉप्स एंड ड्रेसेस जो कि मैंने अमेजोन से लिए हैं. सो ये जो ड्रेसेस है ये आप कैजुअल वेयर के लिए पहन सकते हैं. इफ़ यू आर गोइंग आउट ऑन लंच और मूवी और शॉपिंग तो आप इसे कैजुअली पहन सकते हैं. काफ़ी सारे अफोर्डेबल ड्रेसेस एंड टॉप्स हैं. सो इस तरीके के और भी मैंने अमेजोन से हॉल वीडियोज़ किए हैं. अगर आपने उन्हें मिस कर दिया तो लिंक ऑफ दोज वीडियोज़ विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो बिफोर वी गेट स्टार्ट ये जितने भी सारे आपको प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ सबका मैं इंडिविजुअल लिंक भी दे दूंगी एक सिंगल लिंक भी दे दूंगी माय हॉल स्टोर का लिंक, जिस पे क्लिक करके आपको सारा का सारा कलेक्शन दिख जाएगा. उससे जो भी अगर आपको परचेज करना है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हैं. ऑल्सो इफ यू आर वंडरिंग ये टॉप मैंने कहाँ से लिया है तो इस पर भी मैंने अलग सा हॉल वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हॉल. सो द फर्स्ट टॉप दैट आई हैव ओवर हियर इज बाय द ब्रांड सेरा. सेरा से मैंने काफ़ी सारे टॉप्स एंड ड्रेसेस भी दिखाए हैं. कुछ टॉप्स की क्वालिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है एंड काफ़ी ट्रेंडी टॉप्स भी होते हैं. सो आई गॉट दिस टॉप बिकॉज आई रियली रियली लव द पैटर्न द प्रिंट ऑफ दिस टॉप. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप के रोजेस बने हुए हैं. बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा टॉप है. इट हैज दिस शियर मटेरियल ओवर हियर एंड ये वाला जो टॉप है ना ये थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा ही शियर है ये. तो इसके अंदर आपको एक यू नो काफी यू कैन वेयर अ स्टाइलिश कैमिसॉल या फिर आप नॉर्मल सिंपल सा रेड या पिंक कैमिसॉल या यू नो अगर आप ग्रे कैमिसॉल इस तरीके का कुछ पहनना चाहते हो तो भी आप पहन सकते हैं. एंड स्लीव्स के लिए अगर आप देखोगे तो स्लीव्स इसके कुछ इस टाइप के है एंड ये काइंड ऑफ लाइक यू नो बटरफ्लाई स्लीव्स. आई डोंट नो व्हाट दी स्लीव्स आर कॉल्ड बट ये इस टाइप के स्लीव्स है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. सो दिस इज हाउ द टॉप लुक्स लाइक. एंड ये जो टॉप्स है ये पार्टी वेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. एंड ये वाले जो टॉप्स है आप डिनर के लिए भी पहन सकते हैं विद अ नाइस फ्लेयर्ड यू नो ट्राउजर और नाइस फ्लेयर्ड जीन्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे. सो ये फर्स्ट टॉप है जो मैंने स्मॉल साइज में लिया है. उसके बाद I got this beautiful सा टॉप. ये टॉप जो है ये आपको काफ़ी सारे कलर्स में भी मिल जाएंगे, 3 to 4 कलर्स में भी मिल जाएंगे. इस टॉप का काफ़ी ज़्यादा फैशन चल रहा है तो ये जो टॉप है दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रेट इफ़ यू आर गोइंग लाइक यू नो अगर आपके फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, मूवी के लिए जा रहे हैं, लंच के लिए जा रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट से पीच कलर में है एंड ये आपको इस टाइप का स्ट्रेचेबल मटीरियल बीच में मिल जाएगा. एंड देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्लीव्स के लिए आपको फुल स्लीव्स मिलते हैं एंड जो स्लीव्स हैं इन पे टेक्सचर बना हुआ है एंड ये शियर स्लीव्स है. सो ये कोई भी लाइट जीन्स के साथ या लाइट ट्राउजर के साथ बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा. एंड यहां से आप देख सकते हैं फ्रिल्स भी दे रखे हैं. सो इसका जो क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छा है एंड जो प्राइस इसके लिए आप पे कर रहे हो वो भी काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली है. एंड इसमें आपको और भी काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे. आई बिलीव इसमें एक पाउडर ब्लू कलर भी था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द सेकेंड टॉप दैट आई गॉट. उसके बाद मैंने फैब एली से ये टॉप परचेज किया है. टॉप दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था. देयर वॉज वन पॉइंट ऑफ टाइम दैट आई रियली लव दिस ब्रांड. उसके बाद पता नहीं इसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे बीच में एंड आई स्टॉप परचेसिंग फ्रॉम दिस ब्रांड. उसके बाद मुझे ये जो टॉप है ये एक्चुअली अमेजोन पे सेल पे मिल रहा था तो इसीलिए मैंने लिया. वैसे इनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है तो ये जो टॉप है आपको क्रेप के मटेरियल का मिल जाएगा. चेक्ड पैटर्न में है एंड ये येलो एंड व्हाइट चेक में है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो येलो कलर है ये ओवर द टॉप बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. इट्स नॉट सुपर डुपर ब्राइट एट ऑल. आप इसे कॉलेज के लिए पहन सकते हैं या फिर नॉर्मली कैजुअली भी पहन सकते हैं. स्लीव्स के लिए आपको इस टाइप के स्लीव्स मिल जाएंगे जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट स्लीव्स है एंड फुल स्लीव्स है एंड वी नेक आपको मिलेगा. ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक टाई अप डिजाइन भी मिलता है एंड नीचे से आप देख सकते हैं इसका जो पैटर्न है ये काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ फ्लोई सा पैटर्न है तो इसके साथ कोई भी टाइट फिटेड जीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड आई गॉट दिस इन द साइज स्मॉल. सो उसके बाद आई गॉट दिस टॉप. सो ये जो टॉप है ये इसमें काफ़ी सारे अच्छे कस्टमर रेटिंग्स थे एंड ये आपको काफ़ी सारे कलर्स में भी मिलेंगे. तो यहाँ पे मैंने ये वाला टॉप लिया है जो कि आप कैजुअल वेयर के हिसाब से पहन सकते हैं. अगर आपको ऑफिस में पहनना है, कॉलेज में पहनना है तो आप इजीली से पहन सकते हैं एंड ये पिस्ता कलर में है. एंड ये वाले जो बटन्स हैं ऑनेस्टली आई डिड नॉट क्वाइट लाइक दीज बटन्स. दे लुक चीप बट दूर से ये इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है तो आई रियली आई
डू नॉट लाइक दीज बटन्स एट ऑल. सो पता नहीं इमेज पे ये इतना ज्यादा इस तरीके का नहीं दिख रहा था, बट अदरवाइज अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है, आपको फुल स्लीव्स मिल जाएंगे, यहाँ पे डबल रफल्स मिल जाएंगे, द क्वालिटी इज रियली नाइस. एंड ये मतलब इतना ज्यादा सी थ्रू भी नहीं है एंड इस टाइप का आपको टॉप मिल जाएगा. तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, नो डाउट ये काफी ज्यादा अच्छा टॉप है, बट द ओनली थिंग इज दैट आई डू नॉट लाइक द बटन्स. बट अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं, बिकॉज क्वालिटी इज रियली गुड एंड आई गॉट दिस इन द साइज स्मॉल. उसके बाद आई गॉट दिस बेसिक काइंड ऑफ मिलिट्री टॉप, जो कि आप अगेन यू नो कैजुअली इसे पहन सकते हैं. ये कार्गो यू नो पैंट्स के साथ या फिर ब्लैक जीन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सो ये जो टॉप है इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी रेटिंग्स थे अमेजोन पे एंड ये बहुत ज़्यादा यू नो अफोर्डेबल टॉप था. स्मॉल साइज में मैंने इसे लिया है. पैटर्न अगर आप इसका यहाँ पे सामने देखोगे तो इट हैज़ दिस वेरी ब्यूटिफुल पैटर्न, काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, काफ़ी कैजुअल है. इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग आप ये पहन सकते हैं एंड ये इस टाइप का आपको पैटर्न में मिल जाएगा. फुल स्लीव्स दे रखे हैं, तो अभी बारिश का सीजन चल रहा है, इट्स स्टार्टिंग टू गेट अ लिटिल चिली. तो विंटर के लिए भी अगर आपको ये लेना है तो आप डेफिनेटली इसे ले सकते हैं. हल्का ठंडा मौसम होगा तो आप डेफिनेटली इसे पहन सकते हैं. एंड दीज टॉप्स रियली डोंट गो आउट ऑफ फैशन. मिलिट्री प्रिंट जो है ये काइंड ऑफ एवरग्रीन प्रिंट ही है, तो ये आप ले सकते हैं. एंड इसका भी जो मटेरियल है ये काफी ज्यादा अच्छा है एंड ये बिल्कुल भी अगेन सी थ्रू नहीं है. एंड इसे मैंने लिया है स्मॉल साइज में. उसके बाद आई गॉट दिस. सो दिस इज अ रेड ड्रेस. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रेड ड्रेस बाय द ब्रांड हर्पा. सो हर्पा से मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारे टॉप्स भी दिखाए हैं, काफ़ी सारे ड्रेसेस भी दिखाए हैं. द क्वालिटी इज़ रियली नाइस एंड ये जो भी मटेरियल आपको इसमें मिलता है, इसमें लाइनिंग भी मिल जाता है. द फ्लो इज ऑल्सो रियली नाइस, अफोर्डेबल प्राइस में है. प्लस इनका जो साइज रेंज है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब स्मॉल साइज से लेके एक्सेल डबल एक्सेल तक भी आपको साइजेस मिल जाएंगे. सो दिस टाइम आई गॉट दिस प्लेन रेड ड्रेस दैट आई रियली लव्ड. मुझे इस तरीके के सॉलिड रेड ड्रेसेस काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं. आई गॉट दिस इन द साइज स्मॉल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी नेक आपको मिल जाएगा. स्लीव्स के लिए आप देख सकते हैं कि ये स्लीवलेस है, इसमें कोई भी स्लीव्स अटैच्ड आपको नहीं मिलेंगे. यू गेट दिस यू नो टाई डिजाइन एंड देन इसके अंदर लाइनिंग आपको मिल जाएगी, बट इसका फ्लो जो है ये काफी ज्यादा अच्छा है. तो ये आप ऑब्वियसली डिनर के लिए भी पहन सकते हैं, किसी की पार्टी के लिए पहन सकते हैं. एंड ऑब्वियसली सॉलिड है तो आप इसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं. लाइक अगर आप यू नो स्टेटमेंट शूज पहन रहे हैं, स्टेटमेंट नेक पीस पहन रहे हैं या स्टेटमेंट ब्रेसलेट पहन रहे हैं, देयर आर सो मेनी वेज इन विच यू कैन स्टाइल लाइक अ सॉलिड ड्रेस और अ सॉलिड वन पीस और अ सॉलिड टॉप. सो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड ये जो रेड कलर है इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव कलर, तो ये हर किसी स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है. सो ये मैंने लिया है. एंड द लास्ट ड्रेस दैट आई गॉट इज बाय द ब्रांड रेयर. सो रेयर के भी आपको काफ़ी सारे ड्रेसेस मिल जाएंगे एंड काफ़ी सारे वेबसाइट्स पर मिलेंगे, बट अमेजोन पे सेल प्राइस में मिल रहा था तो इसीलिए मैंने अमेजोन से लिया. सो दिस इज द ड्रेस दैट आई गॉट फ्रॉम रेयर. इट्स अ प्लेन ब्लैक ड्रेस, बट आपको हल्का सा पैटर्न मिल जाएगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंट नेकलाइन आपको मिलेगा एंड ये जो स्लीव्स है ये मेरे फेवरेट स्लीव्स है. मेगा स्लीव्स मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, दे लुक रियली नाइस. तो ये इस टाइप के आपको स्लीव्स मिल जाएंगे एंड ये वाला जो ड्रेस है ना ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. तो यहाँ पे आपको इस टाइप का डिज़ाइन मिल जाएगा, पैटर्न मिल जाएगा एंड इसका जो लेंथ दे रखा है ये भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है. सो आप डेफिनेटली इसे डिनर के लिए पहन सकते हैं एंड दिस इज ऑल्सो सॉलिड, सो देर आर मेनी वेज इन विच यू कैन स्टाइल दिस एज वेल. जैसे अगर आप यू नो स्टेटमेंट ब्रॉड बेल्ट पहनते हैं विथ लाइक नॉर्मल शूज एंड अ नाइस क्लच तो भी ये काफ़ी ज़्यादा पार्टी वेयर लग सकता है. एंड ऑब्वियसली अगर आप कैजुअल वेयर के लिए पहनना चाहते हो तो ये आप सिंपली पहन सकते हैं विथ बेलीज एंड स्मॉल स्टड्स, तो ये भी अच्छा लगेगा काफ़ी ज़्यादा. सो देर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन स्टाइल दिस डिपेंडिंग अपॉन वे यू वॉन्ट टू गो या फिर आपका आपके मूड के हिसाब से अगर आप इसे स्टाइल करना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज इट्स सॉलिड एंड दिस इज वॉट आई रियली लव अबाउट सॉलिड ड्रेस.
बॉक्सेस एंड सॉलिड टॉप. सो ये लास्ट चीज है जो मैंने लिया है एंड दैट कम्प्लीट्स माई हॉल. डेफिनेटली लेट मी नो कि आप लोगों को ये कैजुअल टॉप एंड ड्रेस हॉल कैसे लगा. सारे के सारे जो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट डाउन बिलो आप और कौन कौन से हॉल वीडियोज देखना चाहोगे. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम ऑलरेडी. द लिंक ऑफ दैट विल ऑल्सो बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.